तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फोन पे एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं और इस एप्लीकेशन में अगर आपने अपना बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक करके रखा हुआ है तो उस बैंक अकाउंट को कैसे अनलिंक और कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने बाद होम स्क्रीन आपको इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर में एक आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा, इस प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस का आपको इंटरफेस यहां पे शो हो जाता है। देन अगर आप यहां पे देखें तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू ऑल पेमेंट मेथड का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने जितने भी पेमेंट मेथड अगर आप यहां पे यूज कर रहे हो वो टोटल पेमेंट मेथड आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीआई लाइट हो, यूपीआई का आपको फोन वॉलेट हो या फोन गिफ्ट कार्ड अगर आप यहां पे यूज कर रहे हैं तो सभी को आप यहां पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बैंक अकाउंट को ऐड करके रखा हुआ है तो आपका यहां पे डेबिट कार्ड इस प्रकार से यहां पे शो हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपको शो होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद आपको अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट को यहां पे अनलिंक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा। उसी प्रकार से यूपीआई लाइट यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आप यहां पर डायरेक्ट यूपीआई लाइट को भी रिमूव कर पाइएगा। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन अगर आपने यहां पर ऐड किया है वो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं।